हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अभिसार सर और लेके आया हूँ आप सबके बीच क्लास 4 का ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, जिसका नाम है विंडोज एप्लीकेशंस। तो बाबू, आपको मैं बता दूँ कि ये आपका हॉलीडे के बाद ये आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। इससे पहले आपके पास चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर गया होगा। आपने चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर अभी तक किया नहीं है, इसलिए इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर करवाया। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा वो चैप्टर नंबर 4 का होगा, जिसका नाम है विंडोज़ एप्लीकेशंस। इसमें हम क्या जानेंगे, विंडोज़ एप्लीकेशंस के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स यू विथ वेरियस ऑप्शंस एंड फीचर्स टू यूज कंप्यूटर्स इन अ बेटर एंड इफिशियंट वे। ये आपको बहुत सारे फीचर्स देते हैं जिससे आप अपने कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इफिशियंट वे में आप काम कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर से अपने जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, विंडोज़ प्रोवाइड्स वेरियस स्टैंडर्ड एप्लीकेशन नोन एज एसेसरीज। विंडोज़ के साथ कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस आते हैं जिसको हम लोग एसेसरीज बोलते हैं। अब बाबू, यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन से एप्लीकेशंस आते हैं। तो वैसे एप्लीकेशन जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आते हैं उसको ही हम लोग एसेसरीज बोलेंगे। वैसे एप्लीकेशन जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसको एसेसरीज नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। दीज एप्लीकेशंस आर सिंपल एंड ईजी टू यूज। ये जो आपके एप्लीकेशंस हैं जो आपके एसेसरीज में आते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी इनबिल्ट आते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे सॉरी, वो हमारे जो होते हैं वो सिंपल और ईजी होते हैं, ठीक है। वो हमारे काफ़ी सिंपलिसिटी में, कुछ खास उसमें होता नहीं है, काफ़ी सिंपल तरीके से होता है और बहुत ही आसान होता है, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन विंडोज एसेसरीज आर, जो आपके कॉमन विंडोज एसेसरीज है उसमें से आपका सबसे पहला आता है नोट पैड, उसके बाद आपके पास आता है पेंट, उसके बाद आता है स्निपिंग टूल्स, उसके बाद आता है स्टिकी नोट्स, उसके बाद आता है वर्ड पैड्स। तो ये जो आपके पास जो 5 एप्लीकेशंस के नेम है, यानी कि 5 जो एसेसरीज है, ये विंडोज़ के साथ इनबिल्ट आते हैं, यानी कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं, इसको आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब क्या है, हाउ टू ओपन एसेसरीज मेन्यू। आप विंडोज़ एसेसरीज मेन्यू ओपन कैसे करेंगे, ठीक है। और एसेसरीज में और भी कुछ आते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गए, फिर आपको मैप हो गए, ये सारे कुछ भी इसके अंदर ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ 5 सबसे पॉपुलर के बारे में दिया गया है, ठीक है बाबू। अब एसेसरीज ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, टू ओपन एसेसरीज मेन्यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन कहाँ होता है, हमारे डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड नीचे डाउनवर्ड वाले कॉर्नर पे एक ऐसा बटन मिलता है, यहाँ आप देख रहे होंगे जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ऐसे बटन पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन ऑल ऐप्स फ्रॉम द मेन्यू। उसके बाद आपको ऑल ऐप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, टेक द माउस पॉइंटर टू द विंडोज एसेसरीज एंड क्लिक ऑन इट। उसके बाद आपको विंडोज एसेसरीज पे जाना है और वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको चूज करना है जो भी एप्लीकेशन आप काम करना चाहते हैं, जो भी एप्लीकेशन पे आप यूज करना चाहते हो। तो ये कुछ हमारे इतने एप्लीकेशन हैं जो विंडोज एसेसरीज के अंदर में आते हैं बाबू, ठीक है। उसमें हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन आता है नोट पैड। अब नोट पैड क्या होता है, नोट पैड इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स और एडिट एन एग्जिस्टिंग वन। नोट पैड जो हमारा होता है, एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए और पुराने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। ये जो हमारा है बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। अब टेक्स्ट क्या होता है, जो हमारे अभी बुक में आप देख रहे होंगे जो लेटर्स लिखे होंगे उसको हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो ये हमारा बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, ठीक है। एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू व्यू और एडिट टेक्स्ट फाइल। और ये मोस्ट कॉमनली यानी कि सबसे ज़्यादा यूज करने वाला फाइल सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं या देख सकते हैं। इट हैज़ बेसिक फॉर्मेटिंग फीचर्स। इसमें कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं। अब वो क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग को देखना है, जैसे कि फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सारे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं, ठीक है। यू कैन वर्क ऑन ओनली वन डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम इन नोटपैड। आप नोटपैड में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स पे एक समय में काम कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहेंगे कि नहीं, अभी मैं किसी कोई कंप्यूटर का नोट्स बना रहा हूँ, लेकिन उसी समय आप चाहेंगे मैं साइंस का भी नोट्स बनाऊँ, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में जाना पड़ेगा, जिसको हम लोग MS वर्ड बोलते हैं। उसमें आप एक समय में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, एक से ज़्यादा
वर्कशीट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। द नोट पैड सेव्स द फाइल एज अ टेक्स्ट फाइल। हमारा जो नोट पैड है वो हमारे फाइल को टेक्स्ट फाइल में सेव करता है, आइडेंटिफाइड बाई द डॉट टी एक्स टी फाइल नेम एक्सटेंसन। ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं डॉट टी एक्स टी फाइल एक्सटेंसन के थ्रू, ठीक है। हमारे फाइल का एक्सटेंसन जो होगा डॉट टी एक्स टी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बाबू। अ नोट पैड फाइल्स कैन बी ओपन इन ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। हमारा जो नोट पैड फाइल है वो लगभग सारे वर्ड प्रोसेसिंग फाइल्स में खोले जा सकते हैं, ठीक है। अब नोट पैड हम लोग ओपन कैसे करेंगे, इन सभी क्या स्टेप हम लोग जानेंगे बाबू। एक मैं आप लोगों से बात बताना चाहूँगा कि कुछ स्टेप्स जो हैं, जैसे कि अभी जो स्टेप है ये आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, यानी कि अपने कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। उसका हेडिंग क्या होगा, हाउ टू ओपन नोट पैड फाइल, या आप लिख सकते हैं स्टेप्स टू ओपन अ न्यू फाइल इन नोट पैड। आप नया फाइल नोट पैड में कैसे ओपन कर सकते हैं, आपका हेडिंग होगा और ये पॉइंट्स जो हैं आप लिखेंगे, ठीक। और अगला जैसे हाउ टू सेव, ये भी लिखेंगे। सारे कुछ आप लिख के उस क्लास ख़त्म होते ही लिखेंगे अपने कॉपी में, फिर हमसे चेक करा लेंगे, ठीक है बाबू। तो हम लोग कैसे ओपन करेंगे इसके बारे में देखते हैं। क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, उस क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। उसके बाद है टेक माउस पॉइंटर टू ऑल ऐप्स, ऑल ऐप्स पे जाना है, देन विंडोज एसेसरीज में जाना है और वहाँ जाके आपको नोट पैड सेलेक्ट करना है। आपके पास नोट पैड कुछ इस तरह से खुला हुआ आएगा, आपके स्क्रीन पर नोट पैड कुछ इस तरह से खुला हुआ मिलेगा, ठीक है बाबू। अब उसके बाद क्या है, हाउ टू सेव। अगर मैं नोट पैड में कोई चीज़ लिख लेता हूँ, अब हमारे मन में आएगा कि सर हम सेव कैसे करेंगे, जब तक हम सेव नहीं करेंगे तो फिर अगली बार तो डिलीट हो जाएगा, तब सेव कैसे करते हैं। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक ऑन फाइल बटन ऑन द मेन्यू बार। आपको फाइल बटन पे क्लिक करना है, यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ फाइल बटन है, यहाँ पे क्लिक करना है। और क्या करना है, क्लिक ऑन सेव, वहाँ क्लिक करने के बाद आपको सेव करना है, या अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रेस कंट्रोल एस, आप कंट्रोल एस बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल एस बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल के आएगा, यहाँ आप देख रहे होंगे जो जिसको मैंने राउंड किया है, ये कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल के आएगा। और यहाँ पे ये जो सेक्शन जो हमारा है, यहाँ पे आपको बोलेगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम डालिए, आप जो भी नाम डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, और वहाँ से लोकेशन भी डाल सकते हैं, आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं, यहाँ आप डेस्कटॉप भी देख रहे होंगे, डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे तो हमारा डेस्कटॉप पर क्लिक डाउनलोड सेव हो जाएगा। म्यूजिक में अगर सेव करना चाहते हैं तो म्यूजिक फाइल में सेव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सेव बटन है, सेव बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, हमारा फाइल सेव हो जाएगा बाबू। तो आज हम लोग इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्ड पैड के बारे में, आखिर वर्ड पैड हमारा किस तरह से काम करता है और वर्ड पैड में कैसे कैसे काम किए जाते हैं, हम लोग यहाँ पर सीखेंगे वर्ड पैड के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में सब कुछ अच्छे तरीके से सीखे होंगे, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वीडियो देखने के बाद अगर कहीं भी आपको डाउट होगा तो आप तुरंत हमें मैसेज करेंगे या फिर कमेंट करेंगे कि सर मुझे यहाँ पे परेशानी है, यहाँ बता दीजिए, तो मैं फिर आपको उसका आंसर दूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, ठीक है बाबू। थैंक यू।